102। ये मंत्री जी आपने बताया जो सी प्लेन पोरबंदर और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से शुरू हुआ पहला, आपने कहा कि उस क्षेत्र में प्रोत्साहन मिले और भी प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे, तो ऐसी कौन कौन सी और जगह है जहाँ ये संभावना और अधिक हो जाती है? इंडिया में क्योंकि काफी एरिया कोस्टल एरिया है इंडिया का भी, तो और ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ संभावना है कि इस तरह के प्लेन सी प्लेन चलते? गुड क्वेश्चन। सी प्लेन के लिए केवल समुद्र तट ही नहीं चाहिए, हिंटरलैंड में रिवर होगी तो भी चल जाएंगे, कोई अच्छा तालाब होंगे तो भी चल जाएंगे। और उसके लिए हमने एक यूआई निकाला था, यूआई का बहुत अच्छा, उसमें प्राइवेट प्लेयर ने रुचि लेके अपनी ऑफर दी। उसमें दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से उदयपुर, दिल्ली से जोधपुर, दिल्ली से टेहरी डैम, दिल्ली से बद्रीनाथ केदारनाथ, दिल्ली से अमृतसर, कई ऐसे लोकेशन दिल्ली से आइडेंटिफाई हुआ। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड और लक्षद्वीप से गाती से बंगाराम आइलैंड और दो तीन आइलैंड के लिए, अलग अलग गुजरात में सूरत से साबरमती, सूरत से पोरबंदर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी टू सूरत, ऐसी 100 जितनी ऑफर तो मिली है। खुशी की बात है अगले दिनों में एविएशन मिनिस्ट्री और मैरिन मिनिस्ट्री दोनों ने, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ये मेरा काम है। प्लेन उड़ाना, एजेंसी फिक्स करना, उड़ान योजना में उसको इंक्लूड करना एविएशन मिनिस्ट्री का काम है। हम साथ में मिलकर एक सफल प्रयोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट पर किया है, सक्सेसफुल हुआ है। उसको देखते हुए अगले दिनों में ये सी प्लेन की अपॉर्चुनिटी को हम एग्रेसिवली एनकेस करेंगे, क्योंकि एक बार सी प्लेन इंडिया में चालू होंगे, छोटे से मालदीव्स में 150 सी प्लेन चल रहा है, इंडिया में छोटी मोटी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। सी प्लेन बनाने के लिए भी कई एंटरप्रेन्योर्स आए थे और हमको ऑफर दिया कि हम इंडिया में बनाना चाहते हैं, तो एक इंडस्ट्रीज नई डेवलप होगी, टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बल मिलेगा। और उसके लिए क्रू चाहिए, उसके लिए पायलट चाहिए, नंबर ऑफ टाइप की एंसिलरी इंडस्ट्रीज उससे खड़ी हो जाएगी। एक नया सेक्टर इंडिया के लिए है और हम उसको राइज कर रहे हैं। मंत्री जी, ये जो आप बोल रहे हैं फॉरेन पार्टिसिपेशन कितना होगा एंड टू व्हाट एक्सटेंड इज इट कवर्ड इन द बजट? आप लोगों को कितना एलोकेशन अभी जो हुआ है इसमें, जो टर्मिनल बिल्डिंग आप लोग बोल रहे हैं और सब जो बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, सी प्लेन्स अगर फॉरेन लोग आएंगे इंडिया में बनाएंगे तो आप लोग उनको कहाँ लैंड देंगे, सब कुछ कैसे, हाउ इज इट गोइंग? ये आगे की बात है। लेकिन फॉरेन प्लेयर आए वो भी आए, इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को भी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ भी ब्रेन और मैन पावर की आज के दिन में कमी नहीं है, सक्षम लोग यहाँ के लोग भी आए। हमारा काम है उसको वाटरवेज फंड अलॉट करना, हम करेंगे। हमारी जिम्मेवारी है कि कोई प्लेयर आता है और इंडस्ट्रियल बेज अपॉर्चुनिटी एनकेस करना चाहते हैं तो हम उसको लोकेशन बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल गुजरात सरकार की सी प्लेन फील्डिंग के लिए उन्होंने एक व्यवस्था की है, तो जो मेरा संपर्क किया तो मैंने कहा कि आप जाके गुजरात सरकार का संपर्क करो आपको, क्योंकि उसके लिए एयरपोर्ट चाहिए और एयरपोर्ट लोकेशन पर प्लेन बन सकता है। बिग प्लेन बनाना है तो उसकी बड़ी कॉम्पिटिशन होती है, वो मुश्किल भी होता है, लेकिन ऐसे छोटे प्लेन इंडिया में भी बन सकते हैं। और उसके लिए आज के दिन में जो रुचि ले रहे हैं, स्पाइसजेट वाला ने उड़ाया है वो भी रुचि ले रहे हैं, और दो तीन इंडियन कंपनीज ही है वो सी प्लेन उड़ाने के लिए इंडिया में हैप्पी है। जरूर नहीं है कि सभी चीज के लिए हम दुनिया के सामने ही देखें, दुनिया में आए हिंदुस्तान में आए। मंत्री जी, एक इम्पॉर्टेंट इशू है, उससे ऐसे है कि जो आपने बोला है चाबहार पोर्ट को, इस साल चाबहार पोर्ट में ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं, अब कितना पैसे उसमें आप डालने जा रहे हैं सो दैट इट विल बी स्टार्ट, आई मीन पोर्ट शुरू हो जाए? क्योंकि हमारे साथ ईरान का जो बायलैटरल रिलेशन जो है काफ़ी अच्छा है, उसमें वो चाइना और बाकी कोई कंट्री का नज़र ना आ जाए, ये चीज जानना जरूरी। चाबहार पोर्ट पर किसी की नजर नहीं आएगी, हमने ऑपरेशन हाथ में ले लिया है। लास्ट वीक में हमारी दो नई क्रेन भी पहुंच गई है,
और एक क्रेन अगले दिनों में पहुंचने वाली है और मैं जाके उसका इनॉग्रेशन भी करूंगा। और ये चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम यूरोप और सीआईएस कंट्री क्या कार्गो भी एनकेस कर पाएंगे। आज सीआईएस कंट्री जो रशियन फेडरेशन में से छुटा पड़ा हुआ कंट्री है, उसके लिए कार्गो भेजना है तो वाया चाइना से जाता है या वाया यूरोप से जाता है और कंटेनर $5,000 का खर्च होता है। ये जो हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर काम किया है मोदी जी ने, उसका फायदा ये होगा $3,500 में वहां से चाबहार टू अफगानिस्तान शॉर्ट पार्ट आता है उसको क्रॉस करे तुरंत ही, तो सीआईएस कंट्री उज्बेकिस्तान लग जाता है। तो उज्बेकिस्तान में कार्गो पहुंच गया, वहां से रोड कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी सारे यूरोप के लिए और सीआईएस कंट्री के लिए है ही, उसका यूज करके हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने में और ट्रेड सीआईएस कंट्री जो पहले हम सिल्क रूट के माध्यम से यूरोप और सीआईएस कंट्री में ट्रेड करते थे ये संभव होगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है और ये ज्यादातर आज उसका ऑपरेशन हमारे हाथ में है। मंत्री जी हमारा सवाल है कि ये जो बंदरगाहों का मामला है जिसको आप डेवलप करने की बात कर रहे हैं जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस बुला रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बजट के अंदर जो बंगाल एक सबसे बड़ी बंदरगाह थी जो टोटल खत्म हो चुकी है उसको डेवलप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बंगाल की बंदरगाह खत्म होने आई थी, अभी सबसे बेस्ट बंदरगाह बन गई। एक समय था जब काल में पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोल रहा था 2014 के पहले, वहां से एम्प्लॉयज यूनियन आते थे क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे पुराना पोर्ट है, दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये दुनिया का सबसे भारत का सबसे पुराना पोर्ट है, 150 साल लास्ट ईयर में पूर्ण हुई। तो लोग आते थे, 25,000 पेंशनर है और वहाँ आज भी 5,000 एम्प्लॉयज है। ये लोगों को डर लगता था क्योंकि वो घाटा में चलने लगा था, तो बंद हो जाएंगे जैसा आपने चिंता व्यक्त किया तो उसकी सैलरी का क्या, उसकी आजीविका का क्या, जिन्होंने ये पोर्ट बनाया है सारी जिंदगी मेहनत करके और पेंशनर हो चुके हैं उसका पेंशन का क्या। लेकिन उसके बाद 6-7 साल में उसमें अच्छी तरह से काम हुआ, काम करते 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 पहले वो ऑपरेशनल प्रॉफिट में आए, बाद में धीरे धीरे उसको प्रॉफिट में ला दिया, प्रॉफिट में ला के सारे पेंशनर की लायबिलिटी LIC में हमने जमा करवा दिया। तो लाइफ टाइम आज के आज जो हमारे एम्प्लॉयज है वो और 25,000 हमारा पेंशनर है उसकी लायबिलिटी के लिए, उसका पेंशन की लायबिलिटी के लिए LIC में हमने फंड जमा करवा दिया और आज अच्छी तरह से फंक्शन हो रहा है, अच्छी तरह से प्राइवेट प्लेयर भी उसमें आए हैं, कई ऐसे टर्मिनल है उसको PPP से हमने ऑपरेट करने के लिए दिया, उन्होंने अच्छी तरह से ऑपरेट किया, पोर्ट को भी शेयर दिया और अच्छी तरह से पोर्ट आज के दिन में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू।